खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देते हो कि बाहर की डस्ट अंदर नहीं आए। यहाँ भी रोज गुरु एक युक्ति देता है, कर सगल द्वार बंद। जो मैल आती है वो बैरमुखता के कारण आती है। अंतर्मुखता में अगर रहोगे, मैल तो कोई आ ही नहीं सकती है, क्योंकि स्वरूप तो निर्मल है। मैल सब जीव भाव के कारण है, मैल सब बाहर की है। तो अगर हम थोड़ा सा परहेज रखेंगे तो मन मैला क्यों होगा, कहाँ से आएगी गंदगी? ये सब द्वैत की पैदाइश है ना। जहाँ दूजा देखा वहाँ तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। अगर अद्वैत आत्मा के निश्चय में रहें तो फिर तो कोई झगड़ा नहीं है ना। ये मन तुम्हारा दूसरा देखता है, बैरमुख होता है, फिर अंदर कई विकारों को जन्म दे देता है। लेकिन सावधान हो जाओ कि मुझे दूजे के भाव में आना ही नहीं है। गुरु नानक देव जी ने अलर्ट किया है तुमको, दूजा भाव ना होई, कि दूसरे का भाव बनाओ मत अपने अंदर। एक आत्मा के निश्चय में रहो, सबको एक दृष्टि से देखो, है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं, तो फिर तो कोई बात होगी नहीं ना। अखियों दिसन परखे, ये आँख देखती है सारा दिन दूसरा, और फिर दूसरे का भाव बनती, कर्मों की लिस्ट तैयार हो जाती है। और मैल कौन सी है? राग द्वेष तेरा मेरा ईर्ष्या जलन, यही सब मैल है, और कौन सी मैल है? लेकिन ये सब द्वैत के कारण है। जो अद्वैत आत्मा के निश्चय में रहेगा वो निर्मल रहेगा, क्योंकि भगवान देखोगे तो क्या विकार देखोगे किसी का? भगवान देखोगे तो क्या शिकायत करोगे किसी से? अपना आप करके देखोगे तो क्या गंदगी आएगी अंदर में? ये तो बहुत सरल युक्ति गुरु ने हम लोगों को दी है कि एक ये द्वैत की भावना गुम कर दो अंदर से। अब उसी को गुम करने में सब लोग देरी कर देते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, मैल आ जाती है, मन में विचार आ जाते हैं, मन में संकल्प विकल्प हो जाता है। तो ये सब तुम्हारी असावधानी है और कुछ नहीं है। बाहर भी समझो किसी का कर्म देखने में आता है, इंटरप्रिटेशन तो आपके मन की होती है, आप उसके कर्म का मरम नहीं जानते, लेकिन आपका मन जो भी इंटरप्रिटेशन कर दे उसी को मान लेते हो। एक बार हम लोग कहीं खड़े थे, नया नया ज्ञान सुना था, तो कहीं हम लोग खड़े थे गाड़ी रोक के, सामने देखा बालकनी से एक लड़की मग लेके नहाने वाला मग्गा, और ऐसे कुल्ला कर रही है, वहीं खड़ा होके मुंह धो रही है। ऐसे लगा सामने इसको दिख रहा है, गाड़ी पे लोग खड़े हैं और कैसे कर रही है ये, अंदर वॉशरूम में जाके कुल्ला करे सब करे। लेकिन दो ही मिनट के बाद जब वो लड़की चलने लगी तो दो जने उसको चलाने आए, देखा उसके पाँव में प्लास्टर, एक साइड चोटें, तो बेचारी मजबूर थी। उसी दिन अनुभव हुआ कि आँख जो कर्म देखती है इंटरप्रेट हमारा मन कर देता है, और हम यूं ही कर्म बना लेते हैं। उस दिन से पक्का हो गया, हमने गुरु को चिट्ठी लिखी, आज आपकी बात अनुभव में आ गई कि कर्म का मरम हम नहीं जानते किसी का। शायद इसी को आप कहते हैं आँखों देखा गलत हो जाता है। आँखों ने तो देख लिया, मन ने फटाफट अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी, लेकिन जब बाद में पता चला तो शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि नए नए में सावधानी भी बड़ी होती है, कर्म ना बने कर्म ना बने। बड़ा डर लगा, घर आते ही चिट्ठी लिखी गुरु को, मेरा तो कर्म बन गया, क्योंकि हमने तो सोच लिया था कि कैसी है, सामने खड़े हैं कुल्ले करती जा रही है, और बाद में एकदम लगा कि हमने गलत सोचा, कि वो तो बेचारी मजबूर थी अपने से। तो ऐसे ही देखो, हर कर्म का हिसाब होता है। आप मन जो मैला करते हो क्यों करते हो? अपनी इंटरप्रिटेशन के कारण। आपके मन ने उसका कोई भी अर्थ कर लिया, अगले का रहस्य वो था नहीं था, लेकिन आपके मन ने उसको
अपने तरीके से अनुवाद कर लिया। अब जब अपने तरह से अनुवाद कर लोगे तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा ना, या तो इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आए तब बात है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है बहुत। इतना पॉजिटिविटी ना हो तो हम नेगेटिविटी लेके ही तो हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, पॉजिटिवली कहाँ करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स तो गुरु रोज़ देता है कि अगले से पता नहीं कौन सी मजबूरी वो कर्म करवा रही है, रोज़ ही गुरु देता है विचार तो हमको, लेकिन हम उस विचार को साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो हमारी आँख देख रही है हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो हमारा कान सुनता है और जिस वे से सुनता है हम उसको तवज्जो देते हैं। उस दिन भी कोई बैठा था मेरे पास, बोला फलाना फलाना सत्संग में पॉइंट बताता है या अनुभव बताता है, उसको शब्द जोड़ना आता है, मुझे शायद शब्द नहीं जोड़ना आता। हमको हैरानी भी लगी सुन के, क्योंकि बड़ी जड़ता वाली बात है कि तुम अगले का अनुभव नहीं कैच कर पा रहे, उस समय भी तुम ये सोच के सुन रहे हो कि ये शब्द बांध रहा है और इसको शाबाशी मिल रही है, मैं भी शब्द बांधने सीखूं मुझे शाबाशी मिलेगी। जड़ता हुई ना, क्योंकि जो कानों ने सुना उसको अपने वे से सुना और अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी, और जबकि ज्ञानी तो किसी के शब्दों का मोहताजी नहीं है। ज्ञानी शब्दों पे रिझ जाएगा किसी के, फिर तो इतने बड़े बड़े लोग संगीत गा रहे हैं, क्या शब्द जोड़ लेते हैं, क्या म्यूजिक होता है, सबको भगवान मिल जाता, बड़ा आसान था। पिक्चरों में गा रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा गा रहे हैं, हमारी आवाज़ें तो कुछ भी नहीं उनके आगे, हमारे शब्द तो कुछ भी नहीं उनके आगे, फिर तो भगवान उनको मिल जाते थे ना। पर भगवान कभी शब्द के पीछे जाता ही नहीं, भाव के पीछे जाता है। गुरु ने क्या सुना, शब्द तो तुम भी कभी कभी बड़े अच्छे बना लेते हो लेकिन तुम फिर भी मार खा जाते हो, क्योंकि गुरु जानता है कि भाव क्या होता है और शब्द बांधना क्या होता है, और मेन बात उसका अंतःकरण इतना खाली है कि उस तक सब कुछ पहुंचता है, किसी का मौन भी पहुंचता है, किसी का भाव भी पहुंचता है, और किसी के थोथे शब्द भी पता चल जाते हैं कि इसने तो कोरे शब्द बांध रखे हैं। कई बार तुम चिट्ठियां लिखते हो, बड़े शब्द बांध बांध के लिखते हो, तुम्हें शाबाशी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि इनमें अनुभव नहीं, थोथापन है। लेकिन कानों ने क्या किया, जो सुना आउट ऑफ जेलेसी सुना, ईर्ष्या से सुना, द्वेष से सुना, या उसका परिणाम जब निकला गुरु ने उसको शाबाशी दी तो मन में द्वेष आ गया, अब लगा इनको तो शब्द बनाने आते हैं, मैं तो बड़ा सीधा हूं ना, मेरे को शब्द नहीं बनाने आते, इनको शब्द बनाने आते हैं। तो जिस डेप्थ में जाना था गुरु ने बोला था कि तुम कैच करना एक दूसरे से भी सीख जाओगे कि अगले ने कैसा अनुभव किया, मेरा अनुभव वैसा क्यों नहीं है, शायद समझ आ जाती, सीख जाते, अनुभव करने की कोशिश करते, लेकिन मन ने एक्सप्लेनेशन अपनी दे दी। अब गड़बड़ सारी ये होती है, आप जो कर्म बनाते हो वो अपने मन के अनुमान ज्ञान से बनाते हो, आपका मन अपना अनुमान लगा लेता है। कभी कभी मूवी देखते हो ना, मूवी अच्छी कब लगती है, अगर जो तुम सोचो वही होता जाए तो स्वाद नहीं आता, पर जो तुम सोच रहे हो अब ये होगा, होता उससे कुछ अलग है, फिर कहते हो पिक्चर बड़ी अच्छी थी, है ना। आपका मन क्या करता है, हर बात को अपना आगे सोचता चलता है। पिक्चर देखोगे तो आगे सोचोगे, किसी और को देख लोगे तो आगे सोचोगे, आपकी ये जो अनुमान ज्ञान लगाने की वृत्ति है मैला आपको ये करती है। अगर आप कोई कमेंट मत दो, अपने मन को स्थिर रख पाओ, खाली रख पाओ, तो कोई मैल है ही नहीं। जो जिसका कर्म है जैसा है वो जाने। अगर कबीर जी चोर को भी शरण दे सकते हैं, चलो आप शरण मत दो
लेकिन किसी के कर्म की गहराई में जाने की भी क्या जरूरत है? हमारा मतलब भी नहीं होता तो भी हम दूसरों के कर्म जांचते हैं, दूसरों के विकार जांचते हैं, दूसरों की बातों में जाते हैं और मैला अपने आप को करते हैं। भगवान बहुत अच्छा मिसाल देते थे कि झाड़न होता है घर में, डस्टर, आप उससे सारे घर की सफाई करते हो, लेकिन सबकी सफाई करते करते उसका हाल क्या हो जाता है? वो छूने लायक नहीं रह जाता। सब तो साफ हो गए पर वो खुद इतना ज्यादा मैला हो गया। आप सारी दुनिया के लिए झाड़न का काम क्यों कर रहे हो? सबको साफ करने में लगे हो, सबकी मैल इकट्ठी करने में लगे हो। इतना आपको ईश्वर ने अनमोल जीवन दिया, आनंद स्वरूप बनाया, अपने जैसा शुद्ध पवित्र बनाया, आप अपने स्वरूप में ये बेकार की मैल की परत क्यों चढ़ाते जा रहे हो? है तो नहीं आपके स्वरूप में ऐसा कुछ भी? आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्मल हो, अपने स्वरूप की महिमा याद करो तो आपको ईश्वर ने कितना पवित्र बनाया। लेकिन हम सारी मैल सारी दुनिया की उठाए फिर रहे हैं। कभी कभी तो सत्संग सुन के आप देखोगे अपने विकार भी शांत होने लगते हैं, अपने मन की भी मैल बहुत नहीं रह जाती, लेकिन आप लोगों की मैल उठाते रहते। बंगन के घर में कूड़ा पता नहीं है या नहीं है, पर 10 घरों का कूड़ा यहां से जरूर उठा के ले गई। हम क्या करते हैं? व्यर्थ का कचरा सबका उठाते रहते हैं, जबकि ना हमारा कोई मतलब, ना किसी ने हमको मास्टर चुना है, ना हमारे सुधारने से कोई सुधरने वाला है, पर हम अपने आप ही अनुमान लगा लगा के एक तो अशांतियां करते हैं अपने जीवन में, ऊपर से अपने आप को मैला करते रहते हैं। और यही अगर स्वभाव थोड़ा सा हम अपना बदल लें, अपने को हम बना लें, अपनी निगाह बना लें थोड़ी सी, तो हम पूरा समय आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि वास्ता ही नहीं है किसी से। आया है जग में तू ही एक अकेला। कैसे आए हो संसार में? अकेले आए हो, तो आप अपने में वास्ता रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, तो कोई चक्कर ही ना पड़े। लेकिन सारा दिन बुद्धि जो है ना ये चलती रहती है, अनुमान लगाते रहोगे। अभी समझो दो लोग बात कर रहे हैं, गलती से भी उनकी आंख ऐसे घूम गई तुम्हारी तरफ, बस मेरी ही बात कर रहे हैं। अरे भाई, बात करते करते आंख चली भी जाती है, पर आपके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी चुगली हो रही होगी, मेरे लिए कुछ सोच रहे होंगे। इतना परेशानी पैदा कर लोगे और इतना द्वेष पाल लोगे, फिर उनके कर्म याद करोगे, अपना दिन खराब कर लोगे, जबकि बात थी भी नहीं, पता नहीं क्या बात कर रहे थे अगले। लेकिन आपका दिमाग चल जाएगा, अच्छा चलो दो बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा, आप उनके पास जा खड़े हुए पहुंच गए। अब एटिकेट्स कहते हैं कि वो दो अपनी बात बंद कर दें और आपको अटेंड करें। जैसे ही वो अपनी बात बंद करके आपकी तरफ देखेंगे, मेरी बात कर रहे होंगे तभी तो चुप हो गए, मेरी बात कर रहे होंगे, एकदम चुप हो गए मुझे देख के। अच्छा अब अगले अपनी बात करते रहे, देखो तमीजी नहीं है लोगों को, इग्नोर मार दिया मुझे। कभी आप अपने विचारों को देखोगे, आप हर जगह से अनुमान लगा के और कुछ ना कुछ नेगेटिव उठा के अपने को अशांत कर लेते हो, जबकि होना क्या चाहिए सत्संग सुनने के बाद? नेगेटिव भी अगर कुछ आ जाए सामने, आप उसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढो। लेकिन आप कितना गलत करते हो अपने साथ कि नेगेटिव उठा लेते हो और पॉजिटिविटी छोड़ देते हो। और अगर हम पॉजिटिव देखना शुरू करें तो देखो हम गुरु के ट्रैक पे आ सकते हैं। देखो गुरु हम लोगों के अंदर
अगर नेगेटिविटी खोजे तो क्या हमको बढ़ा पाए? हम कितने विकारों से घिरे आते हैं, कितनी नेगेटिविटीज लेके आते हैं, फिर भी वो हमारे में अच्छाइयाँ देखते हैं टाइम टू टाइम, कभी लेटर से, कभी कह के हमारी कोई ना कोई बात इतनी पॉजिटिव कह देते हैं हमें, हमारा दिल करता है आगे बढ़ने का, पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का। और एक समय आता है हम अपने विकारों से उपराम हो पाते हैं। अब यही रमज अगर हम सीख जाएं कि नेगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ निकालो, बोला ना बंद घड़ी दिन में दो बार वो भी सही समय दिखाती है, ये है पॉजिटिविटी। अब हम जो सारा दिन संसार में चलो बैठे हैं, वर्तते हैं, जरूरी थोड़ी है कि नेगेटिविटी उठानी है, हम पॉजिटिव भी तो उठा सकते हैं ना। अपने को प्रसन्न रखने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिविटी पे नज़र टिकानी होती है। हम पॉजिटिव देखें, हम नेगेटिव क्यों देख रहे हैं, हम अपने अंदर नकारात्मक विचार क्यों ला रहे हैं, जबकि हम अच्छा देख सकते हैं। अब बात करते करते अगलों ने बंद कर दी, आप ये देखो, देखो कितना रिस्पेक्ट की, जो भी बात कर रहे थे उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी वहीं और मेरे को अटेंड किया, मेरे को प्यार किया। लेकिन आपके दिमाग में पहले ही गलत बात आएगी, मेरी बात कर रहे होंगे तभी चुप हुए। अब ये है हमारे अंदर बीमारी पड़ी हुई। और ऐसे अगर गलत देखने लगो तो ये जो इतने साल हो गए ना दुनिया में रहते हुए और हर जगह से आपको लगा मुझे नेगेटिव ही मिल रहा है, मेरे कोई अच्छा नहीं मिला, मैं ही दुखी, मैं ही परेशान, जितने भी ये बातें, ये मैक्सिमम बातें ऐसी हैं आपका अनुमान ज्ञान लगाया हुआ है। नहीं, संसार में इतनी नेगेटिविटी नहीं मिली आपको, लेकिन आपने कहीं कहीं अनुमान लगा लिए और कहीं कहीं तो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना लिया अपने आप ही। बातें पॉजिटिव थीं पर आपने उनको नेगेटिव रूप दे दिया, आपने उनको नेगेटिव बना दिया। अब जब नेगेटिव बना दोगे किसी बात को तो परेशानी तो पैदा होगी ना, मन तो मैला होगा, अगले ने आपके लिए पता नहीं गलत किया या नहीं किया, गलत बोला या नहीं बोला, पता नहीं आपके लिए कुछ बोला भी कि नहीं बोला, पर आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया। आपको आदत है, फटाफट अटैच कर लेते हो अपने साथ बात को, तो काम तो खराब होगा ना, गड़बड़ तो होएगी। आदमी ने अपनी बीवी को फूल भेजे, थी उसकी बर्थडे, 50वीं सालगिरह थी, पर उसने भेजे उसको 31 फूल, ये कह के लिखी चिट्ठी नीचे, तुम तो मुझे अभी भी इतने साल की लगती हो। उसको लगा खुश हो जाएगी, 50 साल की और मैं 31 फूल भेज रहा हूँ, बहुत खुश होगी भाई, मैं सिर्फ 31 की लगती हूँ। पर फूल वाले के यहाँ पर एक स्कीम चल रही थी, एक फूल के साथ दो फूल फ्री। कितने फूल पहुँच गए उसके घर में? 93। 31 की जगह 93 फूल पहुँच गए। तलाक ही होना था भाई, मैं तेरे को 50वां बर्थडे और तेरे को मैं 93 इयर्स की लगती हूँ, बुढ़ी लगती हूँ तेरे को इतनी। और बेचारे को समझ ही नहीं आया तलाक हुआ क्यों मेरा, क्योंकि उसको फूल वाले की स्कीम ही नहीं पता थी। वो आज तक परेशान है कि मेरा तलाक हुआ क्यों, तुम लोग आज तक परेशान हो, मैं ही खराब कर्म करके आया हूं, मैं इतना गंदा हूं, मैंने तो सबके लिए अच्छा किया, मुझे बुरा मिला क्यों, आज तक परेशान हो ना, जब से पैदा हुए हो आज तक परेशान घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो परेशान? क्योंकि तुम्हें स्कीम ही नहीं पता तुम्हारे मन की। इसने हर अच्छी बात के साथ दो बुरी बातें लगाने की स्कीम निकाली हुई है, ये तुम्हें अच्छी बात सुनने समझने ही नहीं देता।
राइट एटीट्यूड किसी बात का लेने ही नहीं देता। इवन सत्संग में भी आते हो ना, शुक्राना मानना गुरु की बात सीधी सीधी जहन में उतर जाए। नहीं, ये यहां भी बड़ी कोशिश करता है, अटकलें लगाता है, शब्द पकड़ता है, बातें पकड़ता है, ऐसे कहा वैसे कहा, मुझे कहा होगा, उसको कहा होगा, बड़ी अटकलें लगाता है। यहां भी ज्ञान सीधा सीधा उतर जाए। भगवान हमें रोज कहते थे मेरी बात सीधी सीधी तुम्हारे अंदर उतर जाए, बड़े शुक्राने मानना। और सच में आज तक महसूस होता है ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मन सीधी बात अंदर उतरने ही नहीं देता, कोई बात नहीं उतरने देता सीधी अंदर, हर बात को टेढ़ा मेढ़ा करके घुसाता है अंदर। और जब तक ये घुसाता है, बात का रूप इतना खराब कर चुका होता है कि हमें उजाले में भी अंधेरे दिखने शुरू हो जाते हैं, अच्छाई में से बुराई दिखनी शुरू हो जाती है, जो कल तक मित्र थे वो शत्रु बन जाते हैं अचानक हमारे। कहां से आई ये सब बातें? ये अपने मन से पैदा होती है मैल, कहीं से नहीं आती, अपने से पैदा होती है। कल तक कोई बहुत अच्छा था, आज अचानक वो बुरा कैसे हो गया? उसका कर्म गलत नहीं हो गया, कहीं ना कहीं मेरी सोच में फर्क आ गया। आप देखो कहीं कहीं आपके रिलेशन बड़े अच्छे मेंटेन्ड होते हैं, हेल्दी रिलेशंस, अचानक खटास आ जाती है। आप सोचते हो खटास का कारण अगला है, पर ध्यान देना खटास का कारण अपने मन में होता है। आज सीधे चलते चलते अचानक आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करने लगे, मुझे क्या पता, लेकिन आपके मन में द्वेष आ गया। खटास तो हम यूं भी पैदा कर लेते हैं अचानक से, अच्छा भला चलते हुए, अच्छा रिलेशन होते हुए अचानक हमारे अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं। सब कुछ बाहर थोड़ी घटता है, और मान लिया बाहर कुछ घट भी जाए, हम ये भी तो सोच सकते हैं इतना समय अगले से इतना अच्छा रिलेशन चला, अगर आज एक बात मेरे मन मुआफिक नहीं है तो क्या हुआ, अगर अच्छा सोचने की आदत हो। लेकिन हम 10 अच्छाइयां भूल जाएंगे, उस एक बात को पकड़ बैठेंगे। ये है मन का स्वभाव, किसी की भी 10 अच्छाइयों को पीछे करके एक बुराई पकड़ के और अपने अंदर मैल जमा कर लेगा। मैल धोना नहीं आता हमें, मैल बटोरना बहुत आता है। अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाते, परतें ओढ़ लेते हैं मैल की फटाफट। जहां जाओगे जहां बैठोगे, चाहे क्षण भर के लिए आए, कुछ ना कुछ आ जरूर जाएगा मन में, एक आधी बात उठा लोगे। लेकिन अगर सावधानी रखो, मुझे अपने अंदर कुछ नेगेटिव आने ही नहीं देना है, तो अपना आनंद में रहो। हमें क्या जरूरत है अपने अंदर मैल बटोरने की? कोई भी नहीं करता ऐसा कि दूसरों का कूड़ा अपने घर में इकट्ठा करे। बाहर से तो बड़े साफ सुथरे हो, अपनी दहलीज पे भी ना कूड़ा टिकने दो किसी का। बाहर निकलो, कोई एक कागज भी फेंक रहा हो ना आपके गेट पे, क्यों भैया कूड़ेदान समझाए, उठा इसको यहां से। कितने अलर्ट हो, और जितनी आपको अपने उस गेट की कदर है, अपने मन की इतनी कदर नहीं। अपने मन में खुद कूड़ा भरते जाते हो, वो भी दूसरों का, वो भी बेकार का, जबकि आवश्यकता कुछ है ही नहीं, ना मेरा वास्ता, ना लेना ना देना। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। चलो ज्यादा भी तुम्हें लगता है तो यही सोच लो कि अगले का कर्म उसके साथ, कम से कम अपने कर्म तो मत बनाओ उसके साथ। कितना कर्म बना लेते हैं, क्या क्या सोच के, क्या क्या करके, और भूल जाते हो कि सब कठपुतलियों को नचाने वाला कोई और बैठा है। ये भी तो विचार करो, परमात्मा मेरे लिए गलत कैसे करेगा? अगर कहीं से कुछ करवा रहा है, मेरी भलाई होगी।
हम सोचते हैं अगला ऐसा कर रहा है, पर पता नहीं वो कर रहा है कि भगवान उससे करवा रहा है। कुछ भी संभव है ना। फिर हम क्यों अपने आप को सही विचार दे के बैलेंस नहीं रखते, फटाफट इम्बैलेंस हो जाते हैं हर एक के साथ। अच्छा, दिमाग में भी कभी कभी हम इमेज बना लेते हैं किसी की। अब वो जो एक इमेज बनी हुई है ना, सालों आप उसी इमेज में वर्तते जाते हो, जबकि अगला चेंज भी हो सकता है, पर अपने अंदर की इमेज नहीं तोड़ेंगे, अगले का चेंज होना भी हमें अनुभव में नहीं आएगा। एक दिमाग में बात बिठा ली कि ये व्यक्ति तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो अपनी बोलता है, अपनी चलाता है, मेरी सुनता ही नहीं है, एक दिमाग में बिठा लिया। अब वो कितना भी बदल जाएगा ना सामने वाला, और वो तुमसे प्यार से बात करेगा, पर तुम बोलोगे नहीं, आपकी आदत ही कहाँ है सुनने की। अक्सर जेंट्स को बोलते हो आप लोग घरों में, आपकी आदत ही कहाँ है मेरी सुनने की, तुम कहाँ सुनोगे मेरी, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी, मैं इसीलिए तो बोलता नहीं। तो ये एक इमेज बना ली दिमाग में। अब वो इमेज ही नहीं तोड़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा सामने वाले ने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया। आप उस इमेज को लेके उसी तरह से चलते जाते, रुकना ही नहीं चाहते, थमना ही नहीं चाहते हो, बल्कि अगला अपने स्वभाव बदल रहा है और तुम रिएक्शंस गलत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वो फीड है कि ये है ही ऐसा, बल्कि तुम गलत हो गए। अगले ने अपने पर कृपा करके अपने को फिर भी बदल लिया, लेकिन तुम गलत के गलत चलते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बात बैठी हुई है। तभी कहा जाता है इमेज भी नहीं बनाओ किसी के लिए, उसमें भी कर्म बनाते जाओगे। अगला बदल भी जाएगा पर तेरा मन कर्म बनाने से रुकेगा नहीं, गलत रिएक्शंस करने से रुकेगा नहीं। कभी किसी की इमेज मत बनाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा होगा। ईश्वर क्यों बार बार मौका देता है अपनी दरबार में हम सबको, कि वो सोचता है कि पिछले गुनाहों का इन्होंने पश्चाताप कर लिया है, अब शायद ये सुधर के आया है, अब शायद ये अपने को बदल के आया है, अब शायद ये मुड़ के आया है। तभी तो ईश्वर कभी हमारे आगे दरवाजा नहीं बंद करता, क्योंकि इमेज नहीं बनाई उसने, ये तो पापी है, सोचता है कल तक पाप किया इसने, आज शायद पाप से तौबा करके आया है, आज शायद सुधरेगा। ईश्वर की इतनी पॉजिटिविटी है, इमेज बनाए अगर हमारे लिए तो कब के दरवाजे बंद थे उसके हमारे लिए। तो अगर उसने इमेज बना ली होती कि ये नहीं सुधरने वाले, छुट्टी। लेकिन हर रोज हमें एक मौका देता है कि कल तक की अपनी गलतियों से शायद ये आज बाज आ गए हैं, मेरे दर पे आए हैं ना, अभी अपनी कल तक की भूलों से बाज आ गए हैं। परमात्मा फिर खुशी से मौका देता है, मुस्कुराता है, मुस्कुरा के स्वागत करता है हमारा। रोज जाओ मंदिर, परमात्मा मुस्कुरा रहा है, कभी उसने तुम्हें देख के मुंह नहीं बनाया, मुस्कुरा रहा है, आओ मेरे बच्चे फिर नया स्वागत है एक तुम्हारा। क्यों? परमात्मा को अगर पता भी है। एक बार क्या हुआ, क्राइस्ट के पास एक वैश्या ने आके पैर छुए, लोग उसको धिक्कारने लगे, क्राइस्ट को भी कहने लगे मना करिए, गंदी सौ जगह भोग के आई, आज आप इतने पवित्र, आपके पैर छूती है। क्राइस्ट उनको कहने लगे एक बात बताओ, एक आदमी ने मेरे 5 रुपए देने हैं, एक आदमी ने 5,000 देने हैं, कौन से पैसे वापस मिलने की ज्यादा खुशी होगी? बोला भाई 5,000 मिलने की खुशी होगी। बोला तुम सब ने तो 4-5 कर्म किए, आ गए मेरी शरण में, ठीक है, खुशी है मुझे, पर ये इतने अनगिनत पाप करके शरण आई है, इसके आने की तो ज्यादा खुशी है मुझे। तो परमात्मा को अगर ये भी पता है कि हम बहुत मैले हैं, बहुत कर्म करके आए हैं, बहुत गंदगी से निकल के आए हैं, फिर भी उसका पॉजिटिव नजरिया देखो, कहता है ये अपने 5,000 पाप आज मेरी शरण छोड़ने आया है, मेरे को ज्यादा फायदा है इसके आने का। भाई ज्यादा बीमार आदमी ठीक हो डॉक्टर का नाम निकलेगा,
ज्यादा औखा केस ठीक सॉल्व हो जाए, वकील का नाम निकलेगा। तो परमात्मा ने हमारे लिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ है कि ये लोग चाहे कैसे भी हैं, शुक्र है शरण आ तो गए। कहते तो हम हैं कैसा भी हूं, खोटा या खरा, फिर भी तो शरण में आ ही गया। लेकिन सच में भगवान ये पक्का करके बैठा, अरे कैसा भी है, खोटा है खरा है, शुक्र है शरण तो आ गया। तो हम अपने नजरिए क्यों नहीं बदलते, हम क्यों इमेज बना के ही बैठे हैं दिमाग में? सही करें ना अपने को। हम हर समय अपने अंदर वाले के हिसाब से चलते हैं, काम भी करोगे सेवा भी करते हैं कई लोग मूड के हिसाब से। मेरा अभी मूड नहीं है, सेवा के लिए कोई मूड होता है क्या? सेवा तो सेवा है, हर समय श्रद्धा से करो, भाव से करो, प्यार से करो, उसमें भी मूड की बात घुसा लेते हैं। मेरा मूड नहीं है अभी, ये सेवा करी ना मैंने जब मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए गड़बड़ कर दी मैंने। मूड, मूड क्या होता है? मूड तो मूड व्यक्ति का होता है, ज्ञानवान का कोई मूड नहीं होता, गुरुवान का कोई मूड नहीं होता। वो तो जब कहता है कि गुलाम का अपना नाम नहीं, गुलाम का अपना काम नहीं, गुलाम की खाने की च्वाइस नहीं, गुलाम की पहनने की च्वाइस नहीं, तो गुलाम का मूड होगा क्या बाकी? नहीं। तो सारा समय मन के कहने से चलना, मन के पीछे ही चलना, क्यों? अपनी तरफ से हमारी हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए कि मैं कल तक की बातों को भी आज बनाने की कोशिश करूं। कल तक मेरा विचार किसी से नहीं मिलता था, मैं आज मिलाने की कोशिश करूं। कल तक मेरे अंदर किसी के लिए कोई बात थी, इमेज थी, मैं आज उसको करेक्ट करूं। मेरी साधना कब सफल होएगी? पहले तो अपने अंदर ये सोचो, मेरी साधना कब सफल होगी, मेरी साधना को रंग कब लगेगा, मैं अपनी मंजिल को कैसे पा सकूंगा। उसके लिए जरूरी है कि मैं ये सारी मैल अंदर लानी बंद करूं ना, और जो मेरे अंदर पड़ा हुआ है मैं उसको भी सारे को खत्म करूं, मैं उसको भी फिर ठीक करने की कोशिश करूं। आज तुमको चार बार किसी के साथ मुड़ना पड़े, औखे हो जाते हो, मैं कितना मुड़ूं जी, मैं कितना प्यार करूं, मैं ऐसे, अब मैं कलप रहा हूं, अब मैं दुखी हो रहा हूं। गुरु ने तो किस दिन नहीं कहा तुम्हें ऐसा? जरा बैठ के अपनी हिस्ट्री याद कर लो और आज तक भी देख लो, गुरु ने किसी दिन कहा मैं तुमसे तंग आ गया, कितना मुड़ूं, कितना तुम्हारे स्वभाव को मोड़ने? वो रोज एक नई युक्ति ढूंढता है तुम्हारे स्वभाव में एक परिवर्तन लाने की, रोज एक नई युक्ति ढूंढता है तुम्हें प्यार का एहसास देने की, रोज एक नई युक्ति ढूंढता है तुम्हें आनंद से लबालब करने की, ताकि तेरा मन और तेरे बीच दूरी बन जाए, तेरे स्वभावों के और तेरे बीच दूरी बन जाए, तू वो ना रहे जो तू आया था। गुरु ने तो तुमको किसी दिन नहीं कहा मैं औखा हो गया तुमसे, मैं तंग हो गया तुमसे, मैं ना आज बड़ा कलप रहा हूं तेरे से, कहा गुरु ने तुम्हें किसी दिन? तुम किस लिए अधीरज हो जाते हो, क्यों मन मैला कर लेते हो, काया शांति के अधीन हो जाते हो, क्यों कहते हो मैं अशांत हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं अब बड़ा कलप रहा हूं, मैं ऐसा हो रहा हूं, किस लिए? धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा है ये भी एक। गुरु तुम्हें इतना प्यार किस लिए कर रहा है, ताकि तुम भी प्यार बांट सको। इतना प्यार किस लिए कर रहा है, तुम धैर्यवान बन सको। अधीरजता क्यों, हलचल में आना क्यों? तुम लोग प्यार करने में भी थक जाते हो। एक बार बैठ जाओगे ना किसी के पास 10 मिनट, उसको प्यार कर लोगे, बात 10 मिनट बैठा मैं, 10 मिनट बात की मैंने, 10 मिनट प्यार किया, अब और क्या करूं? ओहो, फिर तो हमारा काम बहुत खत्म है, हम तो कई 10 मिनट दे चुके, चलते फिरते नजर आओ, अब भागो यहां से। तुम्हारा एक 10 मिनट प्यार करना, एक 10 मिनट नम्रता से बात करना, मतलब कितनी वैल्यू है उसकी। मैं 10 मिनट बैठा जी, 10 मिनट, आप सोचिए मैं और इससे ज्यादा क्या करूं। अपने 10 मिनट की इतनी कीमत, हमने तो शायद कभी घंटे भी नहीं गिने,
दिन भी नहीं गिने, साल भी नहीं गिने। अगर हम गिनने बैठे हैं तो हम काम कब का उतार चुके हैं, फिर हम तो हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाएं आराम से। 10 मिनट की अगर इतनी वैल्यू है, तुम्हारे 10 मिनट इतने कीमती और हमारे कोई कीमत नहीं। तुम्हारे 10 मिनट की इतनी कीमत है, कमाल हो गई। ना कोई काम, ना धंधा, ना लेना ना देना, तो भी तुम्हारे 10 मिनट की वैल्यू है। अगले को कीमत करनी चाहिए, मैंने 10 मिनट बैठ के बात की, प्यार किया। अब ना समझे कोई फिर मैं क्या करूं, तो ब्रह्म ज्ञानी के 10 मिनट तो फिर पता नहीं क्या हो जाएंगे। फिर तुमने वैल्यू कर ली गुरु के समय की, तुम वैल्यू कर लो। तुम्हें तो 10-10 मिनट सारे मिलते जाते हैं तो भी कम पड़ते हैं। तुम्हें कह दूं कि तुम तो 10 मिनट छोड़, 10 दिन साथ दे दिया तुम्हें, अच्छा ठीक है, दूसरा साथ लेगा। नहीं जी नहीं, ये कोई मतलब नहीं, आप दो अगलों को भी साथ, मेरे को ना छोड़ना। फिर लेकिन अपना टाइम इतना प्रेशियस है, तुम्हारा प्यार इतना प्रेशियस है, तुम्हारा प्यार करना खुदा का शायद नीचे उतर के आना है, कि अगले को बड़ी कीमत होनी चाहिए तुम्हारे प्यार की। ये सब विचार थकाने वाले होते हैं, मूर्खता मत करना ऐसी। प्यार नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्या करोगे, राग द्वेष करोगे? प्यार अभी करना पड़ रहा है ना, इसीलिए वो 10 मिनट भी मुझे पता है औखे गुजारे होंगे, घड़ी देख देख के, करो प्यार इसको, करो प्यार इसको, पुचकारो इसको, ठंडे दिमाग से बात करो, इसकी बात इग्नोर करो, फिर बोलो प्यार से, कोई बात नहीं समझा, मुझे पता है 10 मिनट भी औखे गुजारे होंगे। आदत ही नहीं है प्यार करने की। प्रेम स्वरूप हो जाओ, प्यार करने की हाजत ना पड़े, खेचल ना पड़े, प्रेम स्वरूप हो जाओ। ये विचार करोगे ना अगर, थक जाओगे। और प्यार करने में जो थक गया वो जीवन की बाजी हार गया। प्यार करने में कभी नहीं थकना, क्योंकि उसके बाद तो फिर राग या द्वेष आएगा मन में। प्यार तो तुम्हें धीरजता रख के करते ही चलना होगा, प्यार करते चलो। और बिना ये सोचे कि वो मेरे प्यार की कद्र कर रहा है या नहीं, वो सुधर रहा है या नहीं, वो ठीक हो रहा है या नहीं, तुम लुटाते चलो। ज्ञानी लुटाता चलता है। इच्छा रखेगा ना अगर कि मैं प्यार कर रहा हूं तो फलाना सुधर जाए, कोई नहीं सुधरेगा। प्यार की खातिर प्यार करता है, सुधारने की खातिर प्यार नहीं करता, प्यार के खातिर प्यार करता है। अपना आप देख के आशिक होता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें दूसरा समझ के प्यार करता ना, कब का थकान हो गई होती। पर तुम्हें समझता है अपना आप, देख के अपना आप, फिर ये हो जाता दिलदार है। दिलदारी आ ही नहीं सकती अगर कोई अपना आप ना देखे तो। दूजा देखने में कभी कोई दिलदार नहीं होता। ये तो जब नजर ऐसी हो जाती है जैसे मैं ही हूं इधर भी, तो दिलदार हो जाता है। तो देख के अपना आप, फिर ये हो जाता दिलदार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। प्यार की खातिर प्यार करो। आप कभी कभी एक्शन से प्यार करना चाहते हो, कभी कभी शब्दों से प्यार करना चाहते हो, क्योंकि आपको कहा गया है प्यार करो। प्यार हृदय में प्रकट करो। एक्शन और वर्ड तो जो होना होगा हो जाएगा, ना भी होगा फर्क नहीं पड़ेगा। प्यार अंदर प्रकट करो। आप लोग अंदर प्यार प्रकट करते नहीं, एक्शन से वर्ड्स से आलगते हो कोशिश करने। मैं ऐसी बात बोलूंगा तो इसको अच्छा लगेगा, मैं ऐसा एक्शन करूंगा इसको अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है अच्छा लगे। कभी कभी कोई गले मिलता है अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है दिखावा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है बाहर का। कभी कभी कोई बड़ी प्रेज करता है, वर्ड्स बोलता है बड़े अच्छे, पता होता है ऊपर ऊपर से कह रहा है, आप आए बड़ा अच्छा लगा, आपको पता होता है जो उसको अच्छा लगा। तो शब्द क्रिया ये प्यार नहीं होता। ज्ञानी के हृदय में प्यार होता है,
उसके बाद वो छलक जाता है शब्द से, क्रिया से बात अलग हो जाती है। पर मेन है उसने हृदय में प्रेम को प्रकट किया है। आप किसी को भी प्यार करना चाहो कभी भी, पहले अंदर प्यार प्रकट करना, देखना फिर कोई मैल नहीं आएगी। आपको प्यार करने के बाद भी मैल आ जाती है, क्योंकि मैंने तो प्यार किया उसने कौन सी कदर करी, मैंने तो बुलाया उसको प्यार से वो कौन सा ढंग से बोल लिया, मैंने तो घर बुला के खाना किया उसका, उसने कहा एक बार नहीं बोला अच्छा कभी आप भी आना, इच्छा तो पहले आ गई, क्यों व्यवहार किया आपने। जिसको आप बता रहे हो मैंने प्यार किया, असल में आपने व्यवहार किया तभी तो वापसी की इच्छा आ गई। अगर प्यार किया होता, प्यार बेशर्त दान है, प्यार कभी लेने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन आपने प्यार ना करके व्यवहार किया और आपको इच्छा हो गई, व्यवहार में तो इच्छा है, मैंने किया वो भी करे, मैंने गिफ्ट दी वो भी दे। और प्यार में ज्ञानी सब कुछ भी लुटा देता है फिर भी पलट के इच्छा नहीं रखता कोई मेरे लिए करे। एक ने बोला एक दिन, हम आपके लिए क्या करें। मैंने कहा तुम क्या करोगे, कुआं 100 लोगों की प्यास बुझाएगा, गांव में 100 घर हैं, सबको पानी मिलेगा कुएं से, पर 100 घर मिलके कुआं तो नहीं भर सकते। छोड़ दे इस बात को, जो करना है अपने लिए करो, हमारे लिए क्या करोगे। ज्ञानी तो इच्छा रख के ही नहीं बैठा है, वो जानता है कोई क्या कर लेगा। आज हम सब भी तो जानते हैं, ब्रह्म आनंद समान ना होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, हम क्या भी कर दें गुरु के लिए, उनके समय में भी कर देते या आज भी कर दें, हम सोने का मंदिर बनवा लें तो भी क्या, जो उन्होंने दिया उसकी बराबरी हो सकती है। हीरे मोती जड़वा के उनकी तस्वीर बना लें, सब कुछ थोथा सब कुछ छोटा कम रह जाएगा। जब आप प्यार दोगे ना निष्काम होकर के, आपको इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है क्या ही मिल जाएगा, मेरे प्यार के आगे छोटा ही है, और मैं तो भरपूर हूं, देने में ही भरपूर हूं, लेके क्या करूंगा। इसीलिए ज्ञानी निरिच्छा है। और जहां पर प्यार भी नाम होता है और किया जाता है अंदर से व्यवहार, वहां कलेश खत्म ही नहीं होता, मन कलपता ही रहता है। आज कहने को आप कहते हो अपने बच्चों को प्यार किया, लेकिन सारी जिंदगी अपने बच्चों से भी कलपते हो, क्यों इच्छा नाम हुआ प्यार का, खाली कह दिया शास्त्रों ने पुराने लोगों ने मां का प्यार निष्काम होता है, मां का भी निष्काम नहीं है। मां भी सुनाती रहती है मैंने 9 महीने पेट में रखा, मैंने दूध पिलाया, उसको भी इच्छा है मेरी सेवा करे, मेरे को कमा के ला के दे, मुझे पोते का मुंह दिखाए, मुझे ये करे, उसको भी इच्छा है। फिर प्यार निष्काम, प्यार बेशर्त दान, और प्यार का असली स्वरूप देखना हो ब्रह्मज्ञानी के जीवन में देखना, जहां वो केवल लुटाना जानते हैं, ना उनको शिकायत ना उनको इच्छा, केवल देते चलते हैं। जब आप अपनी वृत्ति ऐसी बनाओगे तो आपके अंदर किसी तरह का मैल नहीं आएगा किसी का। बारिश जब बरसती है वो मैली कैसे हो सकती है, वो तो उल्टा मैल धोती जा रही है। तो जो निष्काम है भीतर से, प्रेम स्वरूप है भीतर से, वो किसी की मैल कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, आएगी नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसका प्यार तो बल्कि सबकी मैल धोता जाएगा, शुद्ध करता जाएगा। तभी तो बारिश देख के नहीं गिरती, यहां सरोवर है और यहां पे कचरा है, सब पे गिर जाती है, उसको मालूम है कचरा भी धुल जाएगा, जगह साफ हो जाएगी मेरे पढ़ने से। अपना प्यार भीतर का ऐसा निष्काम होवे और इतना अपने प्यार पे एतबार होवे, लुटाओ प्यार, प्यार की नजर रखो, कोई मैल अंदर आएगी नहीं, कोई बुरा है ही नहीं भले मन के वास्ते। दो हाथ उलीचिए यही सियाणो काम,
आदि मैल तो इस इच्छा के कारण घुसी चली आती है। सब में इच्छा रखे बैठे, मन थोड़ी थोड़ी देर में मैला होता ही रहता है। लेकिन जो निरिच्छा है, निष्काम है, लुटा रहा है केवल मौज में आके, बेपरवाह बादशाह है, उसके अंदर क्या मैल आएगी? वो तो लुटा रहा है बेपरवाही से, देता चल रहा है। दातार बन जाओ। आप देखना, दातार कभी इच्छा वाला नहीं हो सकता है। जब हम दान कर रहे हैं खुद, तो हमारा हाथ ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा। जब हम प्रेम करने निकलते हैं ना, प्रेम देना सीखते हैं, ऐसे कभी नहीं होता। अच्छा लगता है देना, प्यार देना अच्छा लगता है। और कभी आपने किया होगा ना प्यार किसी को, ध्यान देना, कभी कभी मौज में आके करते हो प्यार। ये तो बाद में इंकार कर लेते हो, मैं 10 मिनट बैठा, मैंने 15 मिनट किया, मैंने उसको ये दिया। पर असल में जब उठती है ना लहर अंदर से, उस समय बिना सोचे होता है, बगैर सोचे। कभी कभी कुछ दिया भी जाता है प्यार में आके बगैर सोचे, अहंकार तो बाद में आता है। जब बैठ के सोचते हो, जब इच्छा कर लेते हो, फिर गुस्सा आता है, मैंने तो ये किया, उसने तो ये किया। पर जिस समय होता है आपसे, आपको भी नहीं पता किस लहर में, आपको भी नहीं पता अगले का कर्म कैसे भूल गए आप, उसका स्वभाव कैसे भूल गए, आपको नाराजगी थी उससे ये कैसे आप भूल गए, कुछ भी नहीं ध्यान रहता, केवल हो जाता है। और हमको ज्ञान से सच में उस स्थिति में आना है जहां प्रेम स्वरूप हो जाए, जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप। अब सूरज ये नहीं कहता कि मैं रोशनी दे रहा हूं, अच्छा ना दे रोशनी, अंधेरा दे सकता है, प्रकाश उसका स्वरूप है। ज्ञानी की क्या स्थिति है? प्रेम उसका स्वरूप है। अब वो प्यार नहीं करेगा तो क्या करेगा? ज्ञानी अपने से पूछता है, भाई अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा तो भला क्या करूंगा? प्रेम ही तो बांटना है, प्रेम ही तो देना है, प्रेम ही तो जीवन है। तो वो प्रेम लुटाता चलता है बगैर सोचे, बगैर इच्छा किए, केवल देता चलता है। आप जिस दिन जीवन में निरिच्छापने का सबक सीख जाएंगे, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। जिस दिन आप चाहना की बीमारी निकाल दोगे, छोटी से छोटी चाहना, बड़ी से बड़ी चाहना, जिस दिन निकाल दोगे जीवन से, उस दिन आनंद में आ जाओगे, मस्त फकीर हो जाओगे, मौज में आ जाओगे। एक संत हुए रूमी करके, उनका जो पंथ है या मत है, उसमें वो लोग ऐसे झूमते हैं, जैसे गोल गोल चक्कर काटते हैं ना, ऐसे झूमते हैं, ऐसे हाथ फैला लेते हैं और गोल 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 घूमते हैं, उसी में मस्ती आ जाती है। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब उनका मन निरिच्छा हुआ, अचानक मौज में आ गए कि इच्छा छूटते ही फ्री लाइक ए बर्ड और झूम गए। इतना झूमे उनको पता ही नहीं कितना वक्त हो गया, और समाधि लग गई, आनंद आ गया। फिर वो पंथ ही उनका ऐसे चल पड़ा। लेकिन शुरुआत कितनी बढ़िया, निरिच्छापने से इच्छा छूटी,
अंदर वाले को महसूस हो गया मैं आजाद हो गया। मस्ती कहां छिपी है? जब ये मैं और मेरे की हस्ती मिट जाए, मस्ती वहां छिपी है। लोग सोचते हैं ये जो अध्यात्म है ना, ये शायद बड़ा गंभीरता वाला है, पर सच ये है बड़ा मस्ती वाला है। धर्म का मार्ग गंभीरता का मार्ग नहीं है, मस्ती का मार्ग है, मौज का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। गंभीरता खाली इतनी रखनी है कि मन चंचल ना हो जाए। वैसे जो ये मार्ग है हमारा तो मस्ती से भरा हुआ है, बड़ी मौज से भरा हुआ है। हमने कभी गुरु को ऐसे सीरियस बैठे देखा ही नहीं, मस्ती से भरा देखा, हमेशा मस्ती में रहते थे। किसी के पीछे पड़ जाएं, किसी को छेड़ने लगें, ऐसी मस्ती में आ जाते थे बच्चों वाली। हम लोग कहते थे ज्ञानी ऐसा होता है क्या? आज अनुभव होता है ये मस्ती भरा धर्म है, ये धर्म ऐसा है मस्ती से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। पर हम सब ने अपनी मस्ती, अपनी मौज दूसरों के चक्कर में खराब कर रखी। जब है आनंद स्वरूप, देखो कभी कोई विचार ना हो ना किसी का दिमाग में, अचानक कोई भजन आ जाए, कोई गुरु की बात याद आ जाए या मन खाली हो, देखो आप हवा में उड़ते, ऐसे लगता है अकारण खुश हूं मैं, अकारण मस्ती में हूं, अकारण मौज में हूं। जब ये मौज गुम होने लगती है, जरा ढूंढो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, दूजा आ गया दिमाग में। दूजे का विचार आते ही आपकी मस्ती गई, दूजे का विचार आते ही आपकी मौज गई अंदर से, सिर्फ इतना सा झगड़ा होता है। वरना आपका जो ये मार्ग है ये तो आनंद ही आनंद दे रहा है, रोज तो समाधान मिल जाता है। कोई बात ऐसी नहीं जहां हमारा मन अटके और हमारे पास समाधान ना हो, इतना तो बढ़िया हमारे साथ काम है। कोई विकार ऐसा नहीं जिसकी काट नहीं, कोई मन की खेचल ऐसी नहीं जिसका हमारे पास समाधान नहीं है, तो फिर हमारी मस्ती क्यों गुम होती है? फिर हमारा आनंद क्यों गुम होता है? फिर हमें उलझन क्यों होती है? फिर हम अशांतियों में क्यों आ रहे हैं? फिर हमें परेशानी कहां से पैदा हो रही है? जरा अपने से पूछ के देखो, आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप अपने अंदर के द्वैत भाव से अशांत होते हो। मैल भी कोई ना आए, दूजा ना देखो मैल कोई ना आए, इच्छा ना रखो मैल कोई ना आए, लेकिन जहां ये द्वैत आ गया, जहां ये इच्छा आ गई, अंतःकरण हो गया मलिन। अब आप अपने स्वरूप से नीचे आ गए, यही मिस्टेक है और तो कोई मिस्टेक ही नहीं। अगर अग्नि को ताकत है सब चीजें जला के राख कर देती है, क्या आपके ज्ञान के तेज में इतनी ताकत नहीं है कि जो भी मलिनता सामने नजर भी आ रही है वो जल के राख हो जाए? ये भी तो हो सकता है ना, ब्रह्मज्ञानी की पौड़ियों में बात आती है कि आग जो है या सूरज है, आग सब कुछ जलाती है, सूरज क्या करता है, सारी कीचड़ सुखा देता है। जैसे सूर सर्प को सोख, तो ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, सबकी मैल गंदगी विषयों की सीलन सुखा के सच्चा सुख दे देता है सबको। आप अपने ज्ञान के तेज को प्रकट करो, ज्ञान अग्नि ऐसी प्रज्वलित करो कि कुछ सामने से दिख भी जाए वो आपकी ज्ञान अग्नि में स्वाहा हो जाए। ये यत्न क्यों नहीं करते? जब गुरु को देखते हो वो हजार भूलें हमारी उपेक्षा करके
प्यार कर सकता है। मैल लाए मन में तो शायद हमें देखे भी ना। उसके स्तर से अगर देखें, गुरु के लेवल से देखा जाए, तो पता नहीं हमारे अंदर कितनी गंदगी होगी। अगर वो अपने लेवल से हमें देखें, फिर तो हम टिकते ही नहीं कहीं पर। लेकिन वो तो कहते हैं तू मेरा अपना आप। वो दादाजी क्या कहते हैं, तू मेरी गुज्जड़ गुज्जी प्रेमण, तू तो मेरी प्रिय आत्मा। वो इतना हम मैल से भरे, विकारों से भरे, और वो पहले दिन हमें कह रहे हैं तू मेरी प्रिय आत्मा। यहीं से सीख जाए, जब मेरे लिए किसी ने मैल नहीं रखी अपने अंदर, मैं किसी के लिए मैल क्यों रखता हूं? जब मैं चाहता हूं परमात्मा मेरी भूलें भुला दे, मैं सबकी भूलें क्यों नहीं भुलाता हूं? जब मैं चाहता हूं परमात्मा मुझे क्षमा कर दे, मैं सबको क्षमा क्यों नहीं करके बैठा हूं? जब मैं कहता हूं भगवान तुम जो है मेरे सारे लेखे मिटा दो, देखना मत मेरे गुण अवगुण, भगवान कहता है नहीं देखूंगा, पहले तू भी सबके गुण अवगुण देखने बंद कर दे। सीधी बात है, तो सीधा हिसाब है ना। तुम अगर सबके देखोगे भगवान तुम्हारे देखेगा, तुम किसी के नहीं देखोगे भगवान तुम्हारे भी नहीं देखेगा। बहुत सीधी बात है, सीधा गणित है ये। आपका मन कहता है मैं तो चाहे देखूं, मैं संसार में बैठा हूं ना, तो मैं तो भले देखूं भगवान, पर तुम ना देखना। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये गलत सोच है आपके। सब अपने अंदर चाहते हैं कि परमात्मा मेरा कोई अवगुण ना देखे। और अगर आपको कहा जाए आप अपने आप को हटाना नहीं चाहते किसी के कर्म से, फिर कैसे काम बनेगा? मैल जो उठ रही है वो अपने से उठ रही है, और इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में। शहर नहीं साफ करना, अभी शहर में बीमारी फैलती है, मलेरिया चिकनगुनिया जो भी, तो वो आपको ये नहीं कहते जाओ सारा शहर साफ करो झाड़ू लगाओ, कहते हैं अपना घर साफ रखो, अपने कूलर साफ रखो, अपने घर पानी ना इकट्ठा होने दो, इतना ही कहते हैं ना। जब एक एक अपने घर की सफाई कर देगा तो शहर से बीमारी चली जाएगी। आप सारे शहर का ठेका मत उठाओ, अपने अंतःकरण का ठेका उठा लो। जिसके भीतर से मैल चली गई उसके लिए सारे शहर से मैल चली गई। ज्ञानी के अंदर कुछ नहीं है उसके लिए सारे अच्छे हैं, उसका अपना अंतःकरण पवित्र है उसके लिए सारे शुद्ध हैं। वो देखता ही नहीं ये गंदा ये विकारी ये पापी ये ऐसा कुछ नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। देखो जो हम होते हैं वही तो हम सामने देखते हैं, और जो आप देख रहे हो वो असल में आपका रिफ्लेक्शन है, ये भी याद रखना। अगर आपको सामने कुछ गंदगी दिख रही है आपका रिफ्लेक्शन है, सामने तो शीशा है। इसका मतलब आपके भीतर पड़ा है वो जो आपको वहां दिख रहा है। अगर शीशे में धब्बा दिखता है ना, मुंह पे शीशा नहीं, मुंह साफ करते, कह रहे धब्बा मुंह पे लगा हुआ है मेरे, तभी तो आईने में देखने में आ रहा है। तो दुनिया में जो दिख रहा है वो खराबी दुनिया में नहीं है, वो खराबी अपने अंदर है। अब अपनी खराबी को अगर ठीक कर लो, राजा मारने लगा गीदड़ को, कहता है मेरे को मत मारो परले आ जाएगी। राजा बड़ा हैरान हो गया, हंसने भी लगा, तेरे को मारने से परले आ जाएगी? बोला मेरे लिए तो आ ही जाएगी ना, मैं मर गया तो मेरे लिए तो परले आ गई। तो प्रलय संसार की बाहर से तो आपके हाथ में नहीं, जब ईश्वर को करनी होगी। लेकिन आप आज ही प्रलय कर सकते हो अपनी मनोमय सृष्टि की, ये आपके हाथ में।
अपने अहंकार को मार दो, आपकी सृष्टि की प्रलय, अपनी मैं को मार लिया, सृष्टि की प्रलय हो गई। अब जब सृष्टि की प्रलय हो गई, बाकी कौन बचा? भगवान बचा। भगवान ही भगवान है तो फिर कोई मैल का मतलब ही नहीं। तो आप मुए जग पर ले, इस अहंकार की प्रलय करो। लंका कब तक लंका थी? जब तक रावण था। रावण मर गया, वो भी श्रीलंका हो गई। अब श्री माना भगवान, अब भगवान पहुंच गए मैं, अब श्रीलंका हो गई। तो आपका भी अंतःकरण भगवान का निवास स्थान हो जाएगा, फिर मैल नहीं रहेगी। ठीक।